वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय GMC की तरफ से 25 मई 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें सीधी भर्ती होनी है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में आपका पेमेंट क्या रहेगा पर मंथ, इसके अलावा कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की तरफ से, जिसमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 378 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, 378 पोस्ट यानी कि 378 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु महिला स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर बिना वर्ग के लिए 99 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 12 पोस्ट यानी कि 12 पोस्ट, दिव्यांग के लिए 8 पोस्ट यानी कि टोटल मिलाकर 119 पोस्ट रिलीज किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें बिना वर्ग के लिए 14 पोस्ट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट, दिव्यांग के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 15 पोस्ट रिलीज किए गए हैं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी की बात करें यानी कि अनुसूचित जाति की, तो यहाँ पर बिना वर्ग के लिए 53 पोस्ट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पोस्ट, दिव्यांगजन के लिए 4 पोस्ट, मीन्स टोटल मिलाकर 62 पोस्ट यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए रिलीज किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर बिना वर्ग के लिए 66, भूतपूर्व सैनिक के लिए 7, दिव्यांग के लिए 5 और पूरा मिलाकर यहाँ पर 78 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी की बात करें तो 88 पोस्ट बिना वर्ग के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट, दिव्यांगजन के लिए 6 पोस्ट, पूरा मिलाकर यहाँ पर 104 पोस्ट यानी कि 104 पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 378 यानी कि 378 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर सीधी भर्ती होना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यह जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है और उसके बाद आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर GNM नर्सिंग किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में, लाइव रजिस्ट्रेशन है MP नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका MP नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो आपका यहाँ पर स्क्रूटनिंग जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ऑनलाइन, पहले तो आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, इसमें आपकी स्क्रूटनिंग होगी, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो शुरू शुरू में आपकी नियुक्ति 3 माह के लिए आपको पारिश्रमिक रुपये जो दिया जाएगा, प्रति माह 10,000 रुपीज दिया जाएगा। उसके बाद जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेगुलर पोस्ट है वो आपको दिया जाएगा। 3 माह के बाद आपका मूल्यांकन किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद अगर आपका अच्छा रहा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पदों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर वेतनमान की बात करें यानी कि पे स्केल की बात करें तो शासन के निर्देशानुसार वेतनमान वहाँ पर दिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर आवेदन शुल्क भी है, आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 1200 रुपये है यानी कि 1200 रुपीज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज है यानी कि 1000 रुपये। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए केवल गैर क्रीमिलेयर और अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निःशक्त जन उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 1100 है यानी कि 1100 रुपये, जो कि आपको ऑनलाइन जमा करना है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, मीन्स मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं आप या फिर नगर सैनिक निःशक्त जन, इन लोगों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का छूट दिया गया है, मीन्स यहाँ पर उन लोगों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो 45 ईयर्स तक रखा गया है। तो इस केस में 18 से 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज जो काउंट होगा वो आपको 1 जनवरी 2021 तक का काउंट किया जाएगा।
यहाँ पर कुछ सामान शर्तें दी हुई हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और जो भी अभ्यर्थी शासकीय अर्धशासकीय सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं उनको NOC सबमिट करना रहेगा। वेरिफिकेशन के टाइम पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा उनके लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर गैर क्रीमी लेयर की बात हो रही है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना रहेगा वेरिफिकेशन के टाइम पर। यहाँ पर स्वच्छता प्रमाण पत्र का एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना रहेगा। चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक कैंडिडेट का सेम अंक आता है तो यहाँ पर उनका जिन भी कैंडिडेट का एज ज़्यादा होगा उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसमें भी अगर सेम आता है एज भी तो उस केस में जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो जो आपने मार्क्स यहाँ पर अटेंड किया है न्यूनतम अर्हता में जितने जिसने भी अधिक अंक पाया है उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अगर इन केस उसमें भी सेम मार्क्स आते हैं आपके सेम यहाँ पर निकलता है तो यहाँ पर 12वीं में जो भी अधिक अंक पाए रहेंगे अभ्यर्थी उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपका चयन सूची तैयार किया जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो थी 28 मई 2021 यानी कि 28 मई से यह स्टार्ट हो चुका है आवेदन और इसका लास्ट डेट 16 जून है, मीन्स 16 जून 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट जमा करने का 16 जून 2021 है और आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पर 17 जून से लेकर 19 जून है, मीन्स 17 से 19 जून के बीच में आप अपना जो भी अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ त्रुटि होती है, कुछ मिस्टेक होता है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि यहाँ पर 19 जून 2021 है यानी कि 19 जून से पहले पहले आपको अपना जो भी आपने अप्लाई किया है अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको आपको करेक्शन कर लेना है। वहाँ पर MP ऑनलाइन तथा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल की वेबसाइट का टाइम टाइम पर अवलोकन करते रहना है आपको। यहाँ पर जो भी आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसको पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो भी आपने फिलअप किया है उसको अच्छे से देखना है और ये इंश्योर कर लेना है कि आपका जो भरा हुआ है सब कुछ सही है कि नहीं। इन केस अगर गलत होता है, कोई मिस्टेक होता है तो उसको आपको करेक्शन करना है, उसके बाद ही आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग। इसके अलावा MP ऑनलाइन की उसके माध्यम से भी आवेदन पत्र आवेदन फॉर्म जो है वो भरा जा सकता है, तो उसका भी यहाँ पर मेथड दिया हुआ है किस तरह से भरना है, वो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं जो भी भरना चाहते हैं। इससे इस तरह से आवेदन करना है तो उसके लिए जैसे हमने बताया कि MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है या फिर यहाँ पर जो भी कॉलेज है उसकी वेबसाइट दिया हुआ है, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल की वेबसाइट पर या फिर आप जा सकते हैं या फिर MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर स्कैन की गई ये प्रतियाँ भी उम्मीदवार को अपलोड करना है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे स्कैन किए हुए, तो उसमें जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो निर्धारित अर्हता के संबंध में समग्र डिग्री, डिप्लोमा, फाइनल ईयर की मार्कशीट, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका सारा सर्टिफिकेट आपका रहेगा, जिसमें डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अगर आपने किया तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर का मार्कशीट। इसके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपका, फोटो पहचान प्रमाण पत्र, उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर, 12वीं कक्षा की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो भी आप फोटो सिग्नेचर आपका रहेगा उसकी साइज यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस तरह से आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज में नागरिक सेवाएं ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, फिर ड्रॉप डाउन से आप नीचे जाना है, फिर वहाँ पर आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल के लोगो पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दी गई लिंक पर आपको क्लिक करना है, फिर वहाँ से आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जो रहेगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। ऑनलाइन फॉर्म जो दिखाई देगा आपको उसमें जो भी चीज़ें मांगी गई रहेंगी उनको आपको सही सही भरना है। उसके बाद नीचे की तरफ एक बटन ब्राउज दिखाई देगा, फिर ब्राउज पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें अपना रंगीन फ़ोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक के फ़ोटो हस्ताक्षर के साथ
प्रारूप है तो इस लिंक पर क्लिक करें लिखा हुआ रहेगा। तो हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फ़ोटो के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर यहाँ पर उचित स्थान पर फोटो चिपकाना है आपको, उसके नीचे हस्ताक्षर करना है। इसके बाद जो भी फॉर्मेट है उसको स्कैन करना है। स्कैन करते हुए टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो साइज रखनी है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपको सेव करना है, फिर ब्राउज बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जिस भी डायरेक्टरी में आपने अपना फ़ोटो हस्ताक्षर करके स्कैन करके सेव किया है उस डायरेक्टरी में से अपना फ़ोटो हस्ताक्षर सेलेक्ट करके अटैच करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फी पेमेंट भी करना है, तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। फिर जिस भी मेथड से आप चाहते हैं अपना फी पेमेंट करना वो कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर ये सुविधा आपके पास नहीं है तो ये क्योस्क के माध्यम से पे फॉर अनपेन एप्लीकेशन लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर मेथड दिया हुआ है, आप पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी आपको समस्या आती है तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको टाइम टू टाइम यहाँ पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर यहाँ पर GMC की ऑफिशियल वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहना है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे वो मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मेथड हमने आपको बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।